साल 2014 आईपीएल सीजन 7 का तीसरा मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब के सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई का टॉप ऑर्डर पंजाब के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ा। 20 ओवरों में चेन्नई के बैटर्स ने स्कोर बोर्ड पर 205 रन लगा दिए। सामने वाली टीम जब 200 से ज्यादा रन बना दे तो प्रेशर अपने आप चेज करने वाली टीम पर आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ किंग्स इलेवन पंजाब के साथ। मात्र 53 रनों के स्कोर पर पंजाब के 3 विकेट गिर चुके थे। फिर बैटिंग करने आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले सीजन एक भी मैच नहीं खेला था। पंजाब की टीम का जीत तक पहुंचना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन डेविड मिलर के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने वो करिश्मा करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इस खिलाड़ी ने धुआंधार अंदाज से रन बनाना शुरू किया और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। आशीष नेहरा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर भी इस खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए। कप्तान धोनी की सारी स्ट्रेटेजी नाकामयाब रही। इस खिलाड़ी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 95 रनों की पारी खेल डाली। डेविड मिलर के साथ मिलकर 115 रनों की शतकीय साझेदारी भी की और टीम की नैया भी पार लगाई। जब यह बल्लेबाज आउट हुआ तब तक ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स की पकड़ से काफी आगे निकल चुका था। अपनी धुआंधार पारी से उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें द बिग शो कहते हैं। हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के आज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नर टीवी। ग्लेन जेम्स मैक्सवेल का जन्म 14 अक्टूबर 1998 में केप विक्टोरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम नील मैक्सवेल और माँ का नाम जॉय मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल को उनके साथी प्यार से मैक्सी कहकर बुलाते हैं। वैसे तो ग्लेन मैक्सवेल की बायोग्राफी में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का टैग लगा हुआ है, लेकिन मैदान पर इनके शॉट देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये राइट हैंडेड हैं या फिर लेफ्ट हैंडेड। मैक्सवेल बचपन से ही क्रिकेट में करियर बनाना चाहते थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैक्सवेल क्रिकेट में तेज गेंदबाज बनने आए थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाद में उन्होंने अपने एक्शन में बदलाव किया और स्पिन गेंदबाज बन गए। मैक्सवेल विश्व क्रिकेट के सबसे सफल ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। वे ऑस्ट्रेलिया वनडे और टी20 क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा भी हैं। मैक्सवेल बड़ी और धमाकेदार पारियां खेलकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं, इसलिए फैंस और मीडिया उन्हें द बिग शो के नाम से भी बुलाती है। स्टाइलिश और एलिगेंट बैटिंग और बॉलिंग के अलावा मैक्सवेल अपने शानदार थ्रो के लिए भी जाने जाते हैं। मैक्सवेल उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके पास अपनी फील्डिंग के दम पर मैच जिताने का हुनर है। वो कई असाधारण शॉट्स खेलने के लिए भी मशहूर हैं। व्हाइट बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर भेजना हो या फिर घुटने के बल बैठकर स्वीप शॉट खेलना हो, वे हर तरह के स्वीप शॉट्स खेलने में माहिर हैं। बड़े से बड़े मैदान पर मैक्सवेल लंबे छक्के लगाने से कतराते नहीं है। वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। मैक्सवेल ने प्रोफेशनल क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत जूनियर लेवल से की थी। साल 2010-11 में उन्होंने विक्टोरिया के लिए घरेलू क्रिकेट डेब्यू किया। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में मैक्सवेल ने 2 कैच लग के 2 विकेट चटकाए और बल्ले से 38 रन भी बनाए। तस्मानिया के खिलाफ रायोबी कप में उन्होंने 19 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेलकर अकेले ही दम पर अपनी टीम को मैच जिताया। यह ऑस्ट्रेलियाई घरेलू वनडे इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक था। अपनी इस पारी से उन्होंने नेशनल टीम सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 2010 में उन्होंने हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में मैक्सवेल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी। 2011 इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के खिलाफ तेज गेंदों में 59 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 52 गेंदों में 110 रन भी बनाए। साल 2012 में उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से बुलावा आया। 2012 में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू वनडे मुकाबला खेला। इस मैच में वो कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए। उनके बल्ले से मात्र 2 रन आए और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। पाकिस्तान के खिलाफ अपने दूसरे वनडे मैच में मैक्सवेल ने 38 रनों की पारी खेली। 121 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर चुके थे। मुश्किल परिस्थिति से टीम को बाहर निकालकर मैक्सवेल ने यह मैच जितवाया। सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने नाबाद 56 रन बनाए। आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने यह मुकाबला जीता। अब तक मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 128 वनडे मैच खेला है। इस दौरान 2 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 2796 रन भी बनाए हैं और 60 विकेट भी चटकाए हैं। सितंबर 5, 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। टी20 में धाकड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर मैक्सवेल ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 98 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक भी शामिल हैं। अब तक उन्होंने 1430 रन भी बनाए हैं और 39 विकेट लिए हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में धाकड़ प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट टीम में भी खेलने का मौका मिला। टीम इंडिया के खिलाफ मार्च 2013 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। इस मैच में वो खास कमाल नहीं कर पाए। पहली पारी में 13 और दूसरी पारी में 8 रनों की पारी खेली। हालांकि गेंद से वो छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट चटकाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हार गई। अब तक उन्होंने कुल 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 26.07 की औसत से उन्होंने 339 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक लगाया और 8 विकेट अपने नाम किए। शेन वाटसन के बाद तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले मैक्सवेल दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ग्लेन मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का एक्स फैक्टर माना जाता है। इस कंगारू खिलाड़ी में टैलेंट कूट कूट करके भरा है। अपने दिन पर मैक्सवेल गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं। अक्टूबर 2014 में अपने 26वें जन्मदिन के 2 दिन पहले मैक्सवेल ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे पूरा जगत
अचंभे में पड़ गए। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में पाक को जीत के लिए आखिरी ओवर में 2 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के पास 2 विकेट बचे थे। मैक्सवेल ने वो करके दिखाया जिसका गेंदबाज सिर्फ सपना ही देखते हैं। उन्होंने डबल विकेट मैडन डाला और कंगारुओं ने यह मैच 1 रन से जीत लिया। क्रिस पिंगल के बाद आखिरी ओवर में 2 रन डिफेंड करने वाले मैक्सवेल दूसरे गेंदबाज हैं। मैक्सवेल 2015 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। 2015 वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैक्सवेल ने 51 गेंदों में शतक जड़ दिया। एक ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज के तौर पर यह सबसे तेज वनडे शतक था। वर्ल्ड कप के इतिहास का यह दूसरा सबसे तेज शतक था। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज थे। मैक्सवेल ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से टीम को ट्रॉफी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के आखिरी गेंद पर बाउंड्री जड़कर टीम को खिताब जिताया। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। अपनी हार्ड हिटिंग बैटिंग और ऑलराउंड प्रदर्शन के अलावा ग्लेन अपने शालीन नेचर के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2015 वनडे वर्ल्ड कप की जीत के बाद कंगारू खिलाड़ी मीडिया के साथ ऑन फील्ड इंटरव्यू करने में व्यस्त थे। मैक्सवेल भी इंटरव्यू दे रहे थे। उसी समय उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपने पास से गुजरते देखा। इंटरव्यू बीच में छोड़कर और तेंदुलकर के पास गए और उन्हें गले लगाया। मैक्सवेल का यह स्वीट गेस्चर फैंस को काफी पसंद आया। टी20 क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल की भारी डिमांड है। बिग बैश लीग और आईपीएल में मैक्सवेल के लिए करोड़ों में बोलियां लगती है। बीबीएल सीजन 11 में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए मैक्सवेल ने 154 रन की पारी खेली। उनकी यह पारी होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ आई। यह बीबीएल के इतिहास में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है। साल 2012 में पहली बार दिल्ली डेयरडेविल्स से मैक्सवेल ने आईपीएल खेला। 2013 आईपीएल ऑक्शन में वह सबसे महंगे खिलाड़ी बने। मुंबई इंडियंस ने $1 मिलियन में उन्हें खरीदा था। साल 2014 में वो पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आए। मैक्सवेल के लिए सीजन बेहद खास रहा। 16 मैचों में 34.50 की औसत से उन्होंने 552 रन बनाए। उनकी एक के बाद एक धमाकेदार इनिंग्स को देखकर एमएस धोनी ने मैक्सवेल की तुलना सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से कर डाली। साल 2020 आईपीएल ऑक्शन में ग्लेन मैक्सवेल सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14.25 करोड़ की बड़ी रकम में उन्हें खरीदा। 2021 आईपीएल में आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। 2022 आईपीएल सीजन में आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया। 2023 आईपीएल में भी वो आरसीबी के लिए ही खेल रहे हैं। साल 2019 में वो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। मेंटल हेल्थ पर फोकस करने के लिए मैक्सवेल ने कुछ महीनों तक क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली ने उनके इस फैसले की सराहना भी की थी। साल 2022 में उन्होंने भारतीय मूल की विनी रमन के साथ क्रिश्चियन और तमिल रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई। नवंबर 2022 में अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के दौरान मैक्सवेल चोटिल हो गए। 3 महीने के रेस्ट के बाद एक बार फिर से वो आरसीबी के लिए इस सीजन में आईपीएल खेल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में आप कितना जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।